सफाई हो गई है, दानी जो पे चले गए, बच्चे अपना खेल रहे हैं। हाय जारून, कैसे तबीयत है? इसके लिए दुआ कीजिएगा, इसका बुखार उतर रहा चढ़ रहा है। हसन हाय, आप तो ठीक है माशाल्लाह। आपको भी बुखार है? हाँ। नहीं, इसको बुखार नहीं है, झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं। और ये हमारा नाश्ता आ गया, ये हसन के आ गए, जारून मेरा, और ये हमारी चाय आ गई। चले आप नाश्ता करें। अच्छा सही है, चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और अब ये मैं किचन में आ गई थी और ये मैं बना रही थी वाइट कढ़ाई। इसके अंदर मैंने शाम मसाले का वाइट कढ़ाई का पैकेट और एक पाव दही ऐड कर दिया था। ये हरी मिर्चें चॉप कर ली थी और इसके अंदर नमक और लहसुन अदरक भी मैंने ऐड कर रहा था। अब ये मैंने एक पैन लिया और इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर इसके बाद ये जो हमारा मिक्सचर है मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे। पहले तेज़ आंच में कुक करेंगे क्योंकि इसके अंदर दही का जो पानी है, सॉरी जो दही है, ये अपना पानी छोड़ेगा, तो आपको तेज़ आंच रखनी है ताकि चिकन हमारी गल जाए। और इसके अंदर मैंने ये चॉप की थी मैंने हरी मिर्चें 6-7 नहीं है ना, क्योंकि इसके अंदर लाल मिर्चें तो डलती नहीं है, जो भी टेस्ट आता है हरी मिर्चों से आता है, तो इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी थी और उसको मैंने पकने दिया था। और अब देखें ये हमारा चिकन भुन चुका है। जब हमारा चिकन भुन जाए, गल जाए, तो इसके अंदर हम क्रीम ऐड कर देंगे, हाफ पैकेट क्रीम ऐड कर देंगे और जो थोड़ी बचेगी वो गार्निश के लिए ऊपर से ऐड करेंगे, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए जो आप। और ये देखें हमारी वाइट कढ़ाई रेडी हो चुकी है। बस इसके अंदर मैं हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड करूँगी, इस क्रीम को थोड़ा सा मिला लेंगे। और ये देखें मैंने इसके अंदर जब ये हमारा पक जाएगा इसके अंदर हरी मिर्च कैसे हैं सब अदरक करते हैं सब खैरियत से होंगे। सो गाइस आज मैं आपके साथ खीर की रेसिपी शेयर कर रही थी कि मेरी अम्मी आ रही है तो मैंने सोचा कि वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। हमारे आ गए ड्राई फ्रूट, ये आ गई चीनी, ये आ गई इलायची, ये आ गया हमारे चावल, इसको हमने ब्लेंड कर लिया कि हमारा ऑल पर्पस दूध आ गया। तो सबसे पहले हमने एक पतीली ली, ये तो सबको ही पता होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1 किलो दूध है लेकिन मैं आधा किलो की खीर बनाऊँगी क्योंकि ऐसे मेरी अम्मी खाती हैं, उसके अलावा मेरे भाई और मेरी बहन ये लोग इतनी शौक़ से नहीं खाते, तो मैं कम क्वान्टिटी में ही बना रही हूँ। तो ये मैंने दूध ले लिया, इसके अंदर हम 1 कप चीनी ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलायची ऐड कर देंगे और अब हम आंच खोल देंगे और उसको खूब पकाएंगे। अच्छा, अब हमारा दूध बॉयल हो चुका है, इसके अंदर हम थोड़े ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे और इसको हम पकने देंगे अच्छे तरीके से और बाकी के हम बाद में ऐड करेंगे। गाइस ये हमारा दूध अच्छे तरीके से पक चुका है, इसके अंदर मैंने चीनी ऐड करी थी, इलायची ऐड करी थी, अब ये आ गए हैं हमारे राइस, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम इसके अंदर हम 2-3 ड्रॉप वनीला एसेंस के भी ऐड कर देंगे और हम इसको अच्छे तरीके से चमचा चलाते रहेंगे। अगर आप चमचा नहीं चलाएंगे, देखें आहिस्ता आहिस्ता हमारी खीर गाढ़ी होने लगी है, अगर आप चमचा नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से लग जाएगी पतीले में, तो आपको हल्के हल्के हाथ से चूल्हा मीडियम रखना है और चमचा चलाते रहना है और अच्छे तरीके से उसको कुक करना है, हल्की आंच पे छोड़ देना है इसको। सो गाइस ये आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार खीर रेडी हो चुकी है और ये देखें गाढ़ी भी हो चुकी है। इसके अंदर आप चाहें तो रबड़ी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास खोया कलाकन हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब ये मैंने डिश आउट कर लिया है, इसके अंदर हमें बादाम पिस्ता ऐड कर दूँगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप इसको बारीक बारीक कूटें इमाम दस्ते में या तो बारीक बारीक चॉप कर लें और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और ये देखें बहुत ज़बरदस्त लग रही है, जब तक कि ये सिंपल थी तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, जैसे ही मैंने इसके अंदर बादाम पिस्ते ऐड करे तो बहुत अच्छा इसका लुक आ गया। तो आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और यहाँ पर मैं ये ब्रॉड फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये रखे हुए थे और थोड़ा सा मैंने सालन बना लिया, बस अम्मी लोग का वेट कर रही हूँ। हसन आप वेट कर रहे हैं? नहीं। ये हसन भी वेट कर रहे हैं, बस देखें ये लोग कितने बजे तक के आते हैं। मैंने सलाद रेडी करके रख दी है, खीर फ्रीज़र में रख दी है, सालन भी फ्रीज में रखा हुआ है।
और यहाँ पर अम्मी लोग आ गए थे और दस्तरखान लगा लिया था हम लोगों ने। ये हमारी वाइट कढ़ाई हो गई, ये हमारी खीर हो गई और बहुत मज़ेदार खीर बनी थी। वाइट कढ़ाई भी बहुत मज़े की बनी थी, जिंगर बर्गर भी बहुत मज़े के बने थे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने मेरी रेसिपी ट्राई करी है या नहीं करी। बस हम लोग सब ये खाना लग गया था, हम लोग सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और फिर ये रात का टाइम में हम तीनों बहन भाई हलीम खा रहे थे, फिर इसके बाद हम लोग सो गए थे। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।